नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कनाडा में प्लेन क्रैश, रियो टिंटो कंपनी के मजदूरों को ले जा रहा था विमान, 6 की मौत। मजदूरों को ले जा रहा एक छोटा विमान मंगलवार को उड़ान भरने के तुरंत बाद कनाडा के सुदूर उत्तर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 8:50 पर हुई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक विमान में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। रियो टिंटो के मुख्य कार्यकारी जैकब शोटासोल ने एक बयान में कहा है कि दुर्घटना से कंपनी को काफी दुख पहुंचा है। जैकब ने कहा कि हम अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यह पता लगाने में हर संभव मदद करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है। खदान में श्रमिकों को ले जाया जा रहा था। नॉर्थ वेस्टर्न एयर ने बताया कि एक खदान में श्रमिकों को ले जाने वाली एक चार्टर्ड उड़ान थी। इसी बीच अधिकारियों द्वारा अपनी जांच शुरू करने के कारण फोर्ट स्टिम से प्रस्थान करने वाली सभी उड़ानें बुधवार तक के लिए रोक दी गई हैं। कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने दुर्घटना की जांच के लिए एक टीम तैयार की है। परिजनों को किया जाएगा सूचित। आरजे नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज के प्रीमियर सिम्पसन ने दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सिम्पसन ने कहा है कि भारी मन से मैं उन लोगों के परिवारों और दोस्तों और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के मुख्य कोरोनर गर्थ एगेन बर्गर ने पुष्टि की है कि मौतें हुई हैं, लेकिन ने कहा है कि आधिकारिक तब तक कोई और जानकारी नहीं देंगे जब तक कि परिजनों को सूचित नहीं किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।